इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो एनर्जी स्टोरेज इनका इंडक्टर, ठीक है। तो आज हम लोग इंडक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है, और फिर इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। तो स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जी स्टोर इंडक्टर से, ठीक है, कि पहले तो इंडक्टर होता क्या है ये हम जानेंगे, इसके बाद इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, फिर इंडक्टर का जो कनेक्शन होता है सीरीज और समांतर कनेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडक्टर का, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रेरक, ठीक है। तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर एक ऐसा विद्युत अवयव होता है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है, यानी कि ये जो एनर्जी का स्टोरेज करता है वो किसके रूप में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में करता है, ठीक है। जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी का स्टोरेज मैग्नेटिक फील्ड के रूप में करता है, ठीक है ना। तो यह एक विद्युत अवयव है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है, यानी ऊर्जा का स्टोरेज करता है। प्रेरक द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के भंडारण की क्षमता को, ठीक है, इंडक्टर द्वारा चुंबकीय ऊर्जा के स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है इसको क्या कहते हैं, प्रेरकत्व, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंडक्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी होता है और इसे कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट में इंडक्टर कुछ इस प्रकार से हम शो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडक्टर क्या होता है, समझ में आया आपको, कि यह एक विद्युत अवयव होता है जिसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा का भंडारण करता है। और हम प्रेरक को यानी इंडक्टर को साधारण भाषा में चोक और कुंडली भी कहते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देख लीजिए, क्या क्या इसका यूज़ होता है, तो जैसे वैद्युत फिल्टर बनाने के लिए, ठीक है, ट्यूबलाइट आदि को जलाने के लिए। स्टार्टिंग में हमको काफ़ी सारे वोल्टेज पैदा करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद तो जो हम स्टार्टिंग के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हज़ारों वोल्ट पैदा करने एवं जलने के बाद उससे बहने वाली धारा को सीमित रखने के लिए हम वहाँ पर इंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। पुरानी कार एवं स्कूटर आदि में स्पार्क प्रोड्यूस कराने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एनर्जी स्टोरेज होता है इंडक्टर, वो क्या होता है, ऊर्जा जो होता है प्रेरकत्व में भंडारित ऊर्जा क्या होता है, एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस W इक्वल टू होता है हाफ एल आई स्क्वायर, जहाँ I क्या है इंडक्टर से होकर प्रवाहित धारा और L क्या है इंडक्टर है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत से। तो अभी हम बात करेंगे एनर्जी स्टोरिंग इंडक्टर, ठीक है, प्रेरक में संचित ऊर्जा की, यानी एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, देखिए एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर यानी प्रेरक में संचित ऊर्जा। जब किसी क्वायल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी क्वायल में या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब क्वायल का सेल्फ इंडक्शन इस धारा का विरोध करता है, जैसा कि आप लोगों ने सेल्फ और म्यूचुअल ही पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है कि जब किसी क्वायल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब क्वायल का सेल्फ इंडक्शन क्या होता है इस धारा का विरोध करता है, एवं धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए परिपथ में लगे बैटरी या सोर्स को क्वायल के स्वप्रेरकत्व के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। क्वायल को स्वप्रेरकत्व के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता था, यही कार्य कुंडली में स्थितित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या, जब किसी क्वायल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब क्वायल का सेल्फ इंडक्टेंस इस धारा का विरोध करता है, ठीक है। जब किसी क्वायल में करंट फ्लो कराते हैं तो क्वायल का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका क्या करेगा, विरोध करता है, एवं धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचने के लिए परिपथ में लगे बैटरी या सोर्स को क्वायल को स्वप्रेरकत्व के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए परिपथ में बैटरी या सोर्स को जो सोर्स लगे होते हैं उसके लिए क्वायल को स्वप्रेरकत्व के विरोध में कुछ कार्य करना पड़ता है, तथा यही कार्य कुंडली में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमारा एक डायग्राम जो सर्किट यहाँ दिखाया गया है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है ये, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, क्वायल लगा हुआ है, ठीक है, इंडक्टेंस, ठीक है।
इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा वी आर, इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा वी एल, ठीक है। इसको वी एल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वी आर से, क्योंकि रेजिस्टेंस और ये क्या है इंडक्टर है, इंडक्टेंस को हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ वी एल और यहाँ वी आर, ठीक है। तो अभी इसमें देखिएगा उपरोक्त तो चित्र में एक क्वाइल जिसका स्व प्रेरक तो क्या है एल जोड़ा गया है तथा स्व प्रेरक एल एवं एक प्रतिरोध आर के साथ एक बैटरी द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। तथा परिपथ में आई एम्पीयर के द्वारा क्या हो रही है फ्लो हो रही है। अब केवीएल के अनुसार अगर हम इस सर्किट में केवीएल लगाते हैं तो क्या होगा टोटल ई बराबर का हमारा मान क्या हो जाएगा, जिसमें भी जितना भी इसमें जो भी हमारे पैरामीटर्स लगे हैं उसमें जितने वोल्टेज ड्रॉप होंगे उन दोनों का सम बीजगणितीय योग, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे वी आर प्लस वी एल, ठीक है, वी आर प्लस वी एल। तो ई बराबर यहाँ हो जाएगा, अब ई बराबर क्या होता है आई आर होता है, ठीक है ना, वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ वी कमान क्या हो जाएगा इन रेजिस्टेंस के टर्म में आई आर प्लस यहाँ पे वी कमान क्या हो जाएगा आई एल हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टेंस के टर्म में, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे फिर हम लोग एल को क्या करेंगे टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो हमारे पास एक समीकरण ये बन के आता है आई आर प्लस एल डी आई अपॉन डी टी। अब समीकरण एक में आई डी टी का गुणा करने पर, एक में पूरे में हम क्या करेंगे आई डी टी का गुणा कर देंगे हर एक पदों में, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं ई आई डी टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, क्योंकि हमको आई और गुणा करना, आई का इसमें करेंगे क्या होगा आई इंटू आई आई स्क्वायर आर डी टी प्लस एल आई डी, ठीक है, एल आई डी आई हो जाएगा, डी टी से गुणा करेंगे आई डी टी से डी टी कट जाएगा, ठीक है। अब इस उपरोक्त समीकरण में क्या करेंगे ई आई डी टी जो हमारी है इस समीकरण में ई आई डी टी, ठीक है, ई आई डी टी क्या है हमारी बैटरी की टोटल एनर्जी है। अब देखिए यही हमारा जो आई स्क्वायर आर डी टी हो जाता है, ये आई स्क्वायर आर डी टी क्या होता है रेजिस्टेंस में उस जो हमारा व्यय ऊर्जा हो जाता है उसमें हानि हो जाती है आई स्क्वायर आर की, ठीक है, एनर्जी लॉसेज हो जाता है वहाँ पे रेजिस्टेंस में, ठीक है। और जो हमारा एल आई डी आई होता है, एल आई डी आई जो है ये इंडक्टर में संचित ऊर्जा है, ठीक है, ये क्या है इंडक्टर में संचित ऊर्जा, और ये आई स्क्वायर आर डी टी क्या है प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा यानी उसमें हानि। देखिए यहाँ से जो हमारा आई स्क्वायर आर डी टी है वो प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा उष्मा हानि, और एल आई डी आई क्या है इंडक्टर में संचित ऊर्जा। यहाँ से संचित ऊर्जा को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं जीरो टू वन लिमिट लेकर के, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बात की थी कि धारा को अपने स्थायी मान तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। देखिए जो हमारा इसमें जो डेफिनेशन था ये क्या था कि धारा विरोध करता है, हम धारा को अपने स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए परिपथ में लगे बैटरी या सोर्स को क्वाइल को स्व प्रेरकत्व के विरुद्ध में कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यही हमारा जो है यहाँ पे संचित ऊर्जा यू बराबर हम करेंगे हमको धारा को क्या अपने स्थायी मान तक पहुँचाना, तो यहाँ लिमिट हम लेते हैं जीरो टू आई, जीरो टू आई लिमिट लेकर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे एल आई डी आई का, क्योंकि हमको संचित ऊर्जा निकालना है प्रेरक में इंडक्टर में संचित ऊर्जा निकालना है। तो यहाँ से यू बराबर क्या संचित ऊर्जा को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड कर देंगे जीरो टू वन लिमिट लेकर के हम एल आई डी आई का, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम एल को बाहर ले लेते हैं आई डी आई के सापेक्ष क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला हमारा होता है एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है हमारा इसमें कि एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। जैसे हमारा अगर यहाँ आई है तो आई की पावर कुछ नहीं तो एक तो हम मानते ही हैं, ठीक है, एक मानते हैं, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू हो जाएगा यानी एल स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप लोग तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मान आई स्क्वायर अपॉन टू लिमिट आई आई टू जीरो टू आई हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट का मान अगर रखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को, ठीक है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर ही आएगा, ठीक, माइनस जीरो करेंगे तो जीरो से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट समीकरण बन लास्ट जो हमारा समीकरण बन करके आता है वो आता है यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर जूल, ठीक है ना। यहाँ देखिए एल जो हमने यहाँ इधर कॉमन एल हमने बाहर ले लिया था, अब यहाँ से हम वन बाई टू को बाहर लेंगे फिर कितना हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर यानी कि वन अपॉन टू एल आई स्क्वायर, ठीक है। इतना जूल हमारा क्या हो जाएगा ये जो इंडक्टर में संचित ऊर्जा। अब हम लोग अगले टर्म में बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर, ठीक है, इंडक्टर होगा सीरीज और समांतर संयोजन, ठीक।